आप देख रहे हैं सियासत। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन गुरुवार सुबह तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसल कर गिर पड़े थे। उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से सत्येंद्र जैन लगातार सियासी गलियों में चर्चा के केंद्र बने हुए हैं, लेकिन अब उनकी तबीयत भी सियासी का मुद्दा बन गई है। तिहाड़ के अधिकारियों के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 6 बजे सत्येंद्र जैन तिहाड़ की जेल नंबर 7 के मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े। यहां उन्हें कमजोरी की शिकायत के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। शुरुआती जांच में उनके अंग ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन जैन ने पीठ, बाएं पैर और कंधे में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। एक हफ्ते में यह तीसरी बार है जब जैन को अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है। उस तानाशाह की एक ही सोच है, सबको खत्म कर देने की। वो सिर्फ मैं ही जीता है, वो सिर्फ खुद को ही देखना चाहता है। भगवान सब देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। बता दें, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि भाजपा उनके नेताओं को गलत मामलों में फंसा रही है। अब यह चर्चा आम आदमी द्वारा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक एम सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की गिरती सेहत का हवाला दिया था। सिंघवी ने कहा था कि वो आदमी कंकाल हो गया है, जेल में 35 किलो वजन घट गया है, सेहत लगातार बिगड़ रही है और उनका केस वेटिंग लिस्ट में 416 नंबर पर है। बता दें, सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सियासत की दुनिया से जुड़ी किसी अन्य चर्चा या कहानी के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सियासत।